सभी बच्चों का आज के इस नए चैप्टर ऋण पत्र आशय प्रकार निर्गमन व शोधन संबंधी प्रविष्टियां एवं खाते इस चैप्टर में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऋण पत्र क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि कोई भी कंपनी हो, वो अपनी अथराइज कैपिटल से अधिक अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। क्योंकि आप अंशों का निर्गमन नहीं कर सकते, तो उसके अतिरिक्त जो पैसे की आवश्यकता होगी, उसे आप जनता से अगर ऋण लेना चाहते हैं, तो आप एक विशेष विलेख का निर्गमन करेंगे, जिसे ऋण पत्र कहा जाएगा। तो दरअसल मीनिंग की अगर बात करें, तो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का लिखित स्वीकृत पत्र होता है ऋण पत्र, जिस पर कंपनी की मुहर यानी कि सार मुद्रा लगी होती है और सभी शर्तों का उल्लेख होता है इस विलेख पर जिसमें कंपनी ऋण लेती है। वो सारी शर्तें जिनके अंतर्गत कंपनी ऋण लेती है, किससे? जनता से। इसमें जो भी व्यक्ति ऋण लेता है, उसे ऋण पत्र धारी कहा जाता है। दरअसल ये कंपनी के क्रेडिटर यानी कि ऋणदाता होते हैं और उन्हें एक निश्चित दर से ब्याज भी दिया जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो। यानी कि ये जो ब्याज होता है ऋण पत्रों पर, ये प्रभार होता है, चार्ज होता है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। डिविडेंड एक एप्रोप्रिएशन है, लाभांश एक एप्रोप्रिएशन है, यानी कि नियोजन है लाभों का। लेकिन डिबेंचर्स पर यानी कि ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज, ये एक चार्ज है, ये देना ही होगा किसी वर्ष विशेष में कंपनी को लाभ हो या हानि। और इस ब्याज का भुगतान प्रायः अर्धवार्षिक यानी कि छमाही किया जाता है। ऋण पत्र धारक को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने तथा लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, किंतु उन्हें लाभांश वितरण से पहले ब्याज प्राप्त करने और कंपनी के समापन की स्थिति में अंशधारियों से पहले भुगतान पाने का अधिकार होता है। ब्याज लाभांश वितरण से पहले और कंपनी के समापन की स्थिति में अंशधारियों से पहले भुगतान पाने का अधिकार होगा, मगर इन्हें कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का या लाभ में हिस्सेदारी लगाने का कोई अधिकार नहीं होता। ये तो बात रही डिबेंचर्स की। अब हम बात ये भी कर लें कि अगर हमें परिभाषित करना हो डिबेंचर्स को, तो हम कैसे परिभाषित करेंगे। इसके लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 इसकी धारा 230 डिबेंचर्स को परिभाषित करती है। ऋण पत्र में कंपनी का ऋण पत्र, स्कंद, बॉन्ड तथा अन्य दूसरे प्रकार की प्रतिभूतियां सम्मिलित की जाती हैं, चाहे वह कंपनी की संपत्ति पर प्रभाव रखती हों या ना रखती हों। तो इसमें ऋण पत्र तो शामिल हैं ही। स्कंद का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक जो होते हैं वो पूर्णदत्त अंश होते हैं, जिन्हें हम बंचेंस में बना लेते हैं। और कभी कभी अंश अगर बहुत महंगे हैं, तो उनके छोटे टुकड़े भी हम जो है उनके कम कम मूल्य के स्टॉक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णदत्त अंश जो हैं, जब उनको हम कन्वर्ट करते हैं, तब वो कहलाते हैं स्टॉक। ठीक है, और बात करें बॉन्ड की, तो बॉन्ड भी एक तरह की प्रतिभूति है जो ऋण पत्र के अंतर्गत आती ही है, ऐसा इन्होंने कहा है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अंतर्गत। बस ऐसे समझ लीजिए कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं। एक तो सरकारी बॉन्ड होते हैं, सरकारी बॉन्ड, और दूसरा होते हैं निजी। जो कंपनी इशू करती हैं वो निजी बॉन्ड कहलाती हैं। बड़ी कंपनियां जिन्हें JSC यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है, ये भी अपने बॉन्ड इशू कर सकती हैं। ये भी एक तरह की प्रतिभूति होती है। इनको खरीदने वाले लोग जनरली विनियोगकर्ता कहलाते हैं या इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। किनको? बॉन्डों को खरीदने वाले। ठीक है, तो चलिए, खैर, तो आप ये समझ गए कि ऋण पत्र के अंतर्गत ऋण पत्र के अलावा स्कंद भी आता है, बॉन्ड भी आता है और अन्य दूसरे प्रकार की प्रतिभूतियां भी शामिल की जा सकती हैं, चाहे वो कंपनी की संपत्ति पर प्रभाव रखती हो या ना। इसका आशय यह है कि उनको इशू करते समय कंपनी की कोई संपत्ति उनके साथ सिक्योरिटी के तौर पर लगाई गई हो या ना लगाई गई हो। कोई संपत्ति पर प्रभाव रखने से तात्पर्य यह होता है कि अगर कंपनी अपने उस ऋण का भुगतान करने की स्थिति में ना हो, तो वह संपत्ति विशेष को बेच करके
जो पैसा इकट्ठा करेगी उससे सबसे पहले ऋणपत्रधारियों को भुगतान करेगी, यानी कि ऋणपत्रधारियों का उस संपत्ति पर प्रभाव है या उन ऋणपत्रों का उस संपत्ति पर प्रभाव है, ऐसा कहा जाएगा। तो एक तो परिभाषा रही भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की, मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, आप इसे ऐसे ही याद करेंगे। और दूसरी बात आती है नायडू तथा दत्ता, एक ऋणपत्र कंपनी की जो सार मुद्रा है इसके अधीन निर्गमित एक ऐसा प्रपत्र है ऋण पत्र, एक ऋण पत्र कॉमा लगा लीजिए, कंपनी की सार मुद्रा के अधीन निर्गमित ऐसा प्रपत्र है जो ऋण की स्वीकृति देता है और उन शर्तों को स्पष्ट करता है जिनके अंतर्गत वह निर्गमित किया गया है और उसका शोधन होना है। यानी कि ऋण पत्र वो डॉक्यूमेंट होता है दरअसल जिस पे कंपनी की सार मुद्रा अंकित होगी और उसमें लिखा होगा कि हम ये इतनी कीमत का ऋण पत्र आपको जारी करते हैं, यानी कि आपसे इतना ऋण लिया है, और वो ऋण की शर्तें जो होंगी जैसे कि ब्याज की दरें, उनका भुगतान कब कब होगा, और उन ऋण पत्रों का शोधन यानी कि उन ऋण पत्रों का जो मूलधन मूल राशि है, मूल ऋण राशि है, उसका भुगतान कब होगा, यही उसका शोधन कहलाता है। तो ये आपने समझ लिया होगा। और ये भी आप जान लीजिए कि जो ऋण पत्र होते हैं ये दरअसल कंपनी की ऋण पूंजी होते हैं। ऋण पूंजी का मतलब होता है कि कंपनी की खुद की पूंजी, अंश पूंजी कहलाती है, जो अंशधारियों के माध्यम से इकट्ठा होती है। और ऋण पूंजी वो होती है जो ऋण पत्रों के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया गया है। जब कंपनी दीर्घकाल के लिए ऋण देना चाहती है तो जिससे ऋण कंपनी की पूंजी का भाग ही बन जाए, तो इसके लिए कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। देखिए, बैंक वगैरह से लिए गए ऋण जल्दी चुकाने होते हैं, 10 साल 5 साल बाद, और ऋण पत्र जो होते हैं ये लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं, और अगर लंबे समय बीत जाने के बाद आप इनका रिन्यूअल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि को ऋण पूंजी या लोन कैपिटल भी कहा जा सकता है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। ऋण पत्रों की विशेषताओं में सबसे पहले ऋण का ये प्रमाण होता है, ये सर्टिफिकेट होता है कि कंपनी ने आपसे ऋण लिया है और आपके पास ये सर्टिफिकेट के तौर पे, प्रूफ के तौर पे रहता है। सार मुद्रा इस पे लगी होती है कॉमन सील कंपनी की, ब्याज की दरें निश्चित होती हैं, दी गई होती हैं, ब्याज की देय तिथियां कौन कौन सी होंगी ये भी दी गई होंगी, ऋण वापसी यानी कि शोधन तिथि कब होगी, और ये एक दीर्घकालीन ऋण होता है जैसे कि 7 से 10 वर्ष के लिए, और ये प्रायः एक सुरक्षित ऋण होता है। ऋण पत्रधारियों के नाम अपनी संपत्तियों को गिरवी रखवाती है कंपनी, इसी को प्रभार अभी आप पढ़ रहे थे या प्रभाव पढ़ रहे थे। यदि कंपनी निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों का भुगतान नहीं कर पाती है तो ऋण पत्रधारी न्यायालय में दावा करके कंपनी की संपत्तियां बिकवा कर अपने ऋण वसूल कर सकते हैं। फिर बात आ रही थी बॉन्ड की, अभी मैं आपको बता रहा था, पर्याप्त सीमा तक ऋण पत्र से मिलता जुलता प्रपत्र है बॉन्ड। पारंपरिक रूप से सरकार द्वारा ही बंडों का निर्गमन किया जाता रहा है, लेकिन आजकल ये विभिन्न अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी निर्गमित करने लगे हैं। ऋण पत्र और बॉन्ड में प्रमुख अंतर ब्याज की दर के संबंध में है। देखिए, ऋण पत्रों का निर्गमन पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर किया जाता है, जबकि बॉन्ड का निर्गमन बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर के आधार पर किया जाता है, जैसा कि अत्यधिक कटौती बॉन्ड जिन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं, या शून्य कूपन बॉन्ड बोलते हैं यानी कि जीरो कूपन बॉन्ड। ये इनके साथ और ऋण पत्रों के साथ अंतर यही है कि वहाँ पर ब्याज की दर पहले से बताई जाती है, हर 6 महीने ब्याज दिया जाता है। जनरली बॉन्ड में ब्याज की दर नहीं होती, उनको कम मूल्य पर इशू किया जाता है। डीप डिस्काउंट का मतलब, अगर 100 रुपये का कोई बॉन्ड है तो मान लिया उसे 60 रुपये पर इशू कर दिया गया, तो अगर 10 साल के बाद या 5 साल के बाद मान लिया इसका 100 रुपया भी आपको लौटा दिया गया 5 साल के बाद, तो आप देखिए कि 60 रुपये आपने लगाए और आपको 100 रुपये मिल गए, तो 5 साल में लगभग 2 गुना आपको मिल गया। तो यही आपकी अर्निंग होती है एज अ बॉन्ड परचेजर। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, इसको आप डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं, अत्यधिक कटौती बॉन्ड, या शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। अत्यधिक कटौती बॉन्ड या शून्य कूपन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिस पर ब्याज की दर पूर्व निर्धारित नहीं होगी, इसका निर्गमन अत्यधिक कटौती पर किया जाएगा, और इसके निर्गमन मूल्य और शोधन मूल्य का अंतर जो होगा दरअसल वह कुल ब्याज होगा जिसे ब्याज की कुल अवधि में बांट दिया जाता है, और कुल ब्याज की राशि के बॉन्ड के जीवन काल की कुल अवधि में प्रतिवर्ष अनुपातिक रूप से लाभांश खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे जैसे
अधिकारों के कई प्रकार थे, ऐसे ही क्या ऋण पत्रों के भी कई प्रकार हैं? तो काफ़ी कुछ वैसा ही है, कुछ नई कैटेगरीज भी मिलेंगी। ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है उन्हें सुरक्षा, स्वामित्व, प्राथमिकता, परिवर्तनीयता आदि के आधार पर कुछ वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से साधारण या असुरक्षित ऋण पत्र, ये वो ऋण पत्र होते हैं जिन पर कोई भी संपत्ति या बंधक नहीं होती, यानी कि सिक्योरिटी के तौर पे कोई संपत्ति नहीं लगाई जाती, इनका भुगतान असुरक्षित माना जाता है। सुरक्षित वो होते हैं जिनके साथ सिक्योरिटी के तौर पे कुछ अचल या अचल संपत्तियां बंधक होती हैं, ठीक है। यदि कंपनी इनके ब्याज और मूलधन का भुगतान न कर पाए तो बंधक संपत्तियों को बेचकर ऋण पत्रधारी अपनी रकम वसूल कर सकते हैं। ऊपर ऐसा नहीं होता, इसीलिए उन्हें अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कहा जाता है, और जिनके साथ कोई असेट अटैच्ड होती है, मॉर्गेज होती है, उन्हें मॉर्गेज डिबेंचर्स या सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी कहा जाता है। अब इसमें दो तरह के प्रभार होते हैं, एक तो होता है स्थायी प्रभार व चल प्रभार, और दूसरा होता है प्रथम ऋण पत्र व द्वितीय ऋण पत्र। ध्यान से सुन लीजिएगा, देखिए स्थायी प्रभार व चल प्रभार, जैसे फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्जेस के रूप में आप पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि कंपनी की संपत्तियों पर स्थायी प्रभार है तो ऋणपत्रधारियों की अनुमति के बिना कंपनी इनका विक्रय नहीं कर सकती, किंतु चल प्रभार की स्थिति में कंपनी बंधक रखी गई संपत्तियों का विक्रय कर सकती है, पहली बात। दूसरा, प्रथम ऋणपत्र और द्वितीय ऋणपत्र। जमानत की दृष्टि से ऋणपत्रों पर प्रथम प्रभार और द्वितीय प्रभार हो सकता है। प्रथम ऋणपत्रों को बंधक रखी हुई संपत्तियों से अपनी रकम वसूल करने का प्रथम अधिकार होगा, उसके बाद जो बचेगा वह द्वितीय ऋणपत्रों को अपने ऋण के भुगतान में उपयोग में लाने का अधिकार होगा। तो ये प्रथम ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र कहलाते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा सुरक्षा की दृष्टि से ऋण पत्रों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे स्वामित्व या हस्तांतरणीयता का आधार, बेसिस ऑफ ओनरशिप और ट्रांसफरेबिलिटी। देखिए पंजीकृत ऋण पत्र वह होते हैं जिनके धारकों को ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में जिनका नाम लिखा जाता है। ऐसे ऋण पत्र स्वयं ये स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय नहीं होते, और इसके लिए हस्तांतरण प्रलेख यानी कि ट्रांसफर डीड भरना पड़ता है। इन ऋण पत्रों पर ब्याज और मूलधन का भुगतान उन्हीं व्यक्तियों को किया जाता है जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है। वाहक ऋण पत्र वो होते हैं जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा नहीं जाता, तो इनको केवल किसी को दे करके हस्तांतरण किया जाता है। इसमें डिलीवरी मात्र से, यानी कि एक व्यक्ति ने अपने ऋण पत्र किसी को दिए, उससे पैसे ले लिए, बस वो ऋण पत्र उसके हो गए। इसके साथ संलग्न कूपन द्वारा वाहक कंपनी से ब्याज प्राप्त कर सकता है। वाहक मतलब जिसके पास वो ऋण पत्र पहुँचेंगे, जिसने उसे खरीदा होगा। तो शोधन के दिन जिसके पास ऋण पत्र होते हैं, कंपनी उसी को मूलधन और ब्याज की राशि का भुगतान कर देती है, ठीक। शोधन के आधार पर वर्गीकरण अगर बोलें तो जैसे आपने पूर्वाधिकार अंशकों को पढ़ा था, वैसे ही ये भी हैं। शोध ऋण पत्र या अशोध ऋण पत्र, जीवन काल में जिनका ऋण का भुगतान वापस किया जा सकता है वो शोध ऋण पत्र होते हैं, और जिनका कंपनी के समापन या दिवालिया होने से पहले भुगतान नहीं होता वो अशोध इररिडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर्स होते हैं। परिवर्तनीयता यानी कि कभी कभी ऋण पत्र जो होते हैं उन्हें बाद में पूर्वाधिकार अंशों में या समता अंशों में बदला जा सकता है, तो ऐसे डिबेंचर्स कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। जो नहीं बदले जा सकते वो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहलाते हैं। प्राथमिकता या पूर्वाधिकार का आधार, प्रथम ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र आप अभी पढ़ चुके हैं कि जो संपत्तियाँ होती हैं, किसी संपत्ति के भुगतान किसी संपत्ति को बेचकर उससे जो वसूली की रकम होती है, सबसे पहले जिन ऋण पत्रों के भुगतान में इस्तेमाल की जाती है वो प्रथम ऋण पत्र कहलाते हैं, उसके बाद जिनका किया जाएगा वो द्वितीय ऋण पत्र कहलाएंगे। कूपन या ब्याज दर का आधार हो, तो मैंने आपको अभी बताया था, फिर से सुन लीजिए। कूपन दर वाले ऋण पत्र वह होते हैं जिन पर ब्याज की दर उन्हीं के साथ उल्लेख कर दी जाती है। कूपन दर स्थायी या परिवर्तनीय दोनों हो सकती है। सामान्यतया कूपन दर बैंक दर से संबंधित होती है और कंपनियां प्रायः इसी के आधार पर ऋण पत्र निर्गमित करती हैं। शून्य कूपन दर ऋण पत्र, जीरो कूपन रेट डिबेंचर, ऐसे ऋण पत्र जिन पर कंपनी द्वारा कोई कूपन दर निर्धारित नहीं होती है, इन्हें शून्य कूपन ऋण पत्र बोलते हैं। ऐसे ऋण पत्र या बंध पत्र जिन्हें बॉन्ड भी कहा जाता है, बट्टे पर जारी किए जाते हैं। बट्टा मतलब कम मूल्य पर, फेस वैल्यू से अंकित मूल्य से भी कम मूल्य पर, और जब फेस वैल्यू और इश्यू वैल्यू की बात करेंगे
तो दोनों के बीच का अंतर जो होता है वही ब्याज की कुल राशि को दर्शाता है, जिसे ऋणपत्र बॉन्ड की कुल अवधि में बांट लिया जाता है, और ब्याज की कुल राशि को ऋणपत्र बॉन्ड के जीवन काल की कुल अवधि में प्रतिवर्ष आनुपातिक रूप से लाभान खाते में खर्चा मान के हस्तांतरित किया जाता रहता है। ठीक है, इसे टेक्निकली आप बाद में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं। जैसे 100 रुपये वाले बॉन्ड मान लिया आपने 50 रुपये पर इशू कर दिए, तो यहाँ 50 रुपये ब्याज हो गया। अगर ये मान लेते हैं 5 साल के डिबेंचर्स थे, तो आपने इसको 5 से डिवाइड किया और पाया कि 10 रुपये जो ब्याज है वो सालाना पड़ा, तो आप 10 रुपये हर साल वार्षिक रूप से P&L स्टेटमेंट में दिखाते चले जाओगे। ध्यान रखना ये कंपनी है, यहाँ पे स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर अकाउंट का इस्तेमाल नहीं होता। अब जल्दी से जान लेते हैं अंश और ऋणपत्र में क्या अंतर है। तो आपने अभी अंश तो पढ़ ही चुके हैं, आप पिछले चैप्टर में ऋणपत्र आपने अभी पढ़ लिए। इन दोनों के अंतर मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, और यहाँ 11 अंतर दिए गए हैं, आपको 10 पॉइंट कम से कम अंतर के पता होने चाहिए। इसे पढ़ें, अगर इसमें कहीं कोई डाउट है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अभी डिस्कस भी हो चुका है, तो आपको नहीं मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप ज़रूर पूछेंगे। 10 पॉइंट जरूर लिखें अंतर के। अंशों और ऋण पत्रों में समानताएं क्या हैं? एक तो दोनों से कोष एकत्र किया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, तो कोष एकत्रीकरण की समान विधि है, यानी कि जैसे इशू अंशों को करते हैं उसी तरह से ऋण पत्रों को भी इशू करते हैं। प्रविरण जारी करना, आवेदन मंगवाना, फिर आवंटन करना, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल वगैरह वगैरह। हस्तांतरण भी दोनों प्रकार की अंशों और ऋण पत्रों को किया जा सकता है। धारकों का विवरण दोनों में रखा जाता है, दोनों का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, बस पहले को अंश और दूसरे को ऋण पत्र कहते हैं। और समान हस्तांतरण व नामांकन विधि, इनके हस्तांतरण की और नामांकन की विधि भी समान है। समानताएं जनरली पूछी नहीं जाती हैं, तो इसे केवल पढ़ लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अंशधारी और ऋणपत्रधारी में क्या अंतर है? देखिए, दो तरह से प्रश्न आता है, अंश और ऋणपत्र में क्या अंतर है, या अंशधारी और ऋणपत्रधारी में क्या अंतर है। अगर आपको अंश और ऋणपत्रों का अंतर पता है तो आप अंशधारी और ऋणपत्रधारी का अंतर लिख सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपको अंशधारी और ऋणपत्रधारी का अंतर पता है तो आप अंशों और ऋणपत्रों का अंतर भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसे पढ़ने की आवश्यकता है। 8 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, आप इसे अलग से पढ़ लें, अगर आपको कोई नया पॉइंट लगता हो तो कृपया आप इसे लिख लें। अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसे कर पाएंगे तो ठीक है, मेरी राय यह है कि आप इसमें कम से कम 6 पॉइंट लिखें। अगर ये प्रश्न आता है तो लघु उत्तरी प्रश्न में आता है, कितने पॉइंट्स लिखें? 6 पॉइंट्स। ओके, फिर उसके बाद में आता है ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखिए, निर्गमन की विधि अंशों जैसे ही है, पहले एक प्रविवरण इशू करते हैं, आवेदन मंगवाते हैं, आवेदन आते हैं तो आवंटन किया जाता है, कभी कभी किस्तों में राशि मंगी जाती है, कभी कभी आवंटन के साथ पूरी राशि मंगी जा सकती है। विभिन्न निर्गमन मूल्य होते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। ठीक है, लेखांकन की प्रक्रिया हम चलिए जानते हैं। सबसे पहले जहाँ पर अंशों में शेयर कैपिटल अकाउंट होता था, वहाँ यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट होगा, और डिबेंचर्स के साथ साथ उनकी जो ब्याज की दर होती है वो उनके नाम के आगे प्रीफिक्स के तौर पे लगा ली जाती है। ठीक है, जैसे आवेदन राशि प्राप्त होने पर मान लेते हैं अगर 9% ब्याज की दर हो, तो ये भी आपको बता दें कि अगर कुछ कहा ना जाए तो ब्याज की दर 9% मानी जा सकती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन सिमिलरली 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब इसमें वो सब लिखना पड़ेगा आपको कि फॉर एप्लीकेशन मनी ऑन 100 डिबेंचर्स आप ₹10 ईच रिसीव्ड एट द रेट ₹3 पर शेयर वगैरह वगैरह, वो वैसे ही जैसे लिखते थे। अगर आप को लगता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रिटर्न करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए थे और उन्हें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे, तो वैसे ही करेंगे जैसे शेयर्स में करते थे, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर ट्रांसफ़र आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू अलॉटमेंट अकाउंट। आवंटन की राशि ड्यू करने पर 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, देन अलॉटमेंट मनी प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल को ड्यू किया 9% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू बैंक अकाउंट डेबिट टू
6 to 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसी तरह से सेकेंड एंड फाइनल कॉल होगी तो उसे ड्यू करेंगे और रिसीव कर लेंगे। निर्गमन जो होगा वो तीन तरह से हो सकता है। एक तो निर्गमन होता है कैश के लिए, दूसरा होता है रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन, यानी कि कोई संपत्ति वगैरह के बदले में। और तीसरी ये चीज़ होती है, ये आपने दोनों चीज़ें तो शेयर में भी पढ़ा था लेकिन तीसरी चीज़ आपने शायद नहीं पढ़ी, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इस समय मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, इसे आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको स्वतः पता चल जाएगा। लेकिन आपके मन में ये एक इच्छा होनी चाहिए कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है। कोलेटरल का शब्द जान लीजिए, इसका मतलब होता है सहायक। क्या होता है? सहायक। और सिक्योरिटी तो आप जानते हैं, प्रतिभूति या जमानत भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि ऋण पत्रों की जो अभी आपने एंट्रीज पढ़ी हैं वो क्या है। वो रोकड़ के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन बढ़ा, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और कटौती पर किया जा सकता है। अगर सममूल्य पर करेंगे तो एक उदाहरण है, मोहन कॉर्पोरेट लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 1,08% डिवेंचर सममूल्य पर निर्गमित किए, जिनका भुगतान 25% आवेदन 25% आवंटन सॉरी 25 रुपये आवेदन 25 रुपये आवंटन 30 रुपये प्रथम याचना और शेष अंतिम याचना पर, तो इसको द्वितीय और अंतिम याचना बोलेंगे। जनता ने 1,20,000 ऋणों के लिए ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र भेजे, 90,000 ऋण पत्रों के आवेदन पत्रों को संपूर्ण आवंटन कर दिया गया और 16,000 ऋण पत्रों के आवेदन पत्रों को 10,000 ऋण पत्र दिए गए। तो आप देख लीजिए कि यहाँ 6,000 ऋण पत्रों की एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई है, 14,000 तो वापस कर दिए, वो 14,000 गुणे 25 करके 2 बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वापस हो जाएगा। लेकिन 6,000 ऋण पत्रों पे 25 के हिसाब से 25 × 150 यानी कि 1,25 × 150 यानी कि कितना होगा, आई थिंक 150 और 3 0 तो 1,50,000। 1,50,000 जो होगा वो बेसिकली अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे कर लिया है हमने, ये दिख रहा होगा आपको। तो मुझे लगता है कि शेयर वाला चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको ये एंट्रीज बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी, और अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रही हैं तो उसे ये पूछना चाहिए, सीरियसली पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पिछला चैप्टर समझ में आ चुका है। उसके बाद आप देख लीजिए फटाफट कि यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू की है, लेकिन जब रिसीव किया है तो उसमें 25 लाख पूरे ना रिसीव करके 1.5 लाख रुपए माइनस करके 23,50,000 रिसीव किए हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू की 3 लाख और फिर इसको रिसीव भी कर लिया, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल करके लिखा है 20 लाख थी। ये सेकेंड और फाइनल कॉल जो है ये पूरी रिसीव नहीं की है, क्यों? क्योंकि सवाल में ऐसा कहा गया है कि 2,000 ऋण पत्रों पर अंतिम याचना को छोड़कर सब कुछ मिल गया, तो 2,000 अगर नहीं मिला तो कितना मिला, 98,000। तो ये आपने 98,000 यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। लास्ट में आप देख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 8% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 98,000 डिबेंचर्स एट द रेट ₹20 पर डिवेंचर। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, प्रीमियम पर निर्गमन, डिस्काउंट पर निर्गमन, सब कुछ शेयर के ही जैसा है, सब कुछ वैसा ही होता है। उदाहरण नंबर 2 आपको पढ़ना है, इसमें आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन मनी जो कैपिटल है वो कितनी है, 3,000 डिवेंचर्स हैं 200 वाले, तो यहाँ पे आपने बेसिकली ये 200 पर प्राप्त किया है आपने, और ये जो डिबेंचर्स हैं ये अभी यहाँ पे इसमें, क्योंकि लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट, ये 500 वाले हैं बेसिकली, और 8% डिबेंचर ऋण पत्र हैं, 10% प्रीमियम पर निर्गमित होंगे, तो 200 रुपये आवेदन पर प्रीमियम सहित हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें प्रीमियम कितना होगा, इसमें प्रीमियम होगा 50 रुपये, तो ये 150 रुपये एप्लीकेशन के हो गए। इसको अगर आप समझना चाहें यहाँ पे, तो आपको आवेदन जो है मिले कितने हैं, 2 लाख, और 2 लाख गुणे 200 किया है यहाँ पे, सॉरी 2 लाख तो इशू किए गए हैं, लेकिन जो आवेदन आए हैं वो 3 लाख के लिए आए हैं। तो अब ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ तो 3 लाख गुणे 200 किया गया है, ठीक है।
फिर आपने ये 3 लाख गुणे 206 लाख कर लिया है, डिवेंचर में कितना जाएगा? इसमें तो बेसिकली वही जाएगा, देखिए डिबेंचर आपके 2 लाख हैं, और बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि डिबेंचर्स पे 2 लाख डिबेंचर्स पे 2 लाख डिबेंचर्स पे 150 रुपये डिबेंचर्स का था, इन 2 लाख पर 50 रुपये प्रीमियम का था, तो ये 3 लाख आएगा, और ये 2 लाख गुणे 50 यानी कि 10 लाख आएगा। ये 50 लाख है यहाँ पे, ये 60 लाख है बेसिकली। इकाई 2,500,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, ये 6 करोड़ है और ये 5 करोड़ है, सॉरी। तो हाँ बिल्कुल, 2 लाख गुणे 5 करेंगे तो 10 लाख, तो ये जगह 1 जीरो, तो ये यहाँ पे 1 करोड़ हो गया। अब ये जो आपका बाकी पैसा है, डिबेंचर अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा, बाकी पैसा कितना है जरा ये देखिए, बाकी जो पैसा है वो 2 लाख बचा, और ये 2 लाख कैसे बचा? 1 लाख का 200 के हिसाब से, 1 लाख ही तो बचा एक्स्ट्रा, 200 के हिसाब से इसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया गया। अब आप कहेंगे 1 लाख कहाँ से आया भाई? 3 लाख के लिए एप्लीकेशंस आ गए, इशू तो आपने केवल 2 लाख किए और 200 रुपये एप्लीकेशन बनी थी, तो ये 2 करोड़ हो गया कि नहीं हो गया? तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डिविड टू 8% डिबेंचर्स, ये आपका 2 लाख को 3.5 के हिसाब से किया। जब आप यहाँ पे प्राप्त कर रहे होंगे तो जो आपने एडजस्ट किए हैं अभी अलॉटमेंट पे 2 लाख, इसे आप डिडक्ट कर लेंगे, 5 लाख केवल प्राप्त करेंगे, हो गया ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के उदाहरण नंबर 3 है, इसमें इन्होंने प्रीमियम का बता रखा है, इसे भी आप समझेंगे, अगर कोई समस्या है तो पूछेंगे। अब ऋण पत्र पे जो बट्टा वगैरह है, इसकी एंट्रीज हम कल करेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 बातें और जुड़ेंगी, हालांकि इसका जिक्र हो चुका है शेयर वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी आज प्रीमियम तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपके पास, सभी के पास किताब है, और क्वेश्चंस मैं आपको अभी इसके साथ पिक में भेज देता हूँ जो आपको करने हैं। ओके गर्ल्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।